हेलो एवरीवन, दिस इज़ जतिन मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्होत्रा हेयर प्लेसमेंट। आज की वीडियो में हेयर पैच इंडस्ट्री में जो भी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है और कैसे आपने उसको यूज़ करना है। आप लोगों में से बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो दिल्ली के बाहर से हमारे पास आते हैं एंड वो हमारे पास अपना सेल्फ सर्विस की पूरी किट अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना आए। उस केस में तो हम उनको सारी चीज़ें समझा ही देते हैं, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं प्रॉपर, ताकि जो नए कस्टमर्स भी हैं या जिन कस्टमर्स ने हमसे पैच नहीं भी लगा रखा और ख़ुद सेल्फ सर्विस करते हैं, तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर प्रोडक्ट की और एक बेसिक नॉलेज हो। तो सेल्फ सर्विस में प्रोडक्ट्स की बात करें तो तीन ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, एक आपकी टेप है, एक आपकी ग्लू है और एक आपका सॉल्वेंट है। टेप की मैं बात करूँ तो टेप 99% तो आपको मार्केट में यही तीन टेप्स देखने के मिलेंगी, आपकी रेड वाली टेप, येलो टेप और नो शाइन टेप। अब इनका काम क्या है, तो जो हमारी रेड वाली टेप है ये तो एज अ बेस लेयर यूज़ होती है पैच के ऊपर, एंड उसके ऊपर आप चाहें तो येलो वाली या नो शाइन टेप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एज अ बेस लेयर यूज़ करनी क्यों ज़रूरी है और क्या काम है इसका, देखिए होता क्या है, जब आप अपनी अगली बार की सर्विस के लिए टेप उतारेंगे तो अगर आप येलो वाली या नो शाइन टेप डायरेक्ट अपनी पैच की पट्टी पे लगाते हैं तो इनकी पावर होती है ज़्यादा। तो जब आप टेप उतारेंगे अपनी पट्टी से तो आपके पैच का जो बॉर्डर है वो डैमेज होने के चांसेस है, तो इसीलिए रेड टेप यूज़ होती है ताकि वो स्मूथली आपकी पूरी टेप उतर जाए। और इसका दूसरा काम यह है कि ये जब टेप मेल्ट हो जाती है तो वो उसको ज़्यादा फैलने भी नहीं देती, तो जब आप पैच की टेप उतारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट से आपको उसकी जो चिपकन है वो साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो यही काम है रेड टेप का कि आपके पैच की जो बॉर्डर है उसको बचा के रखे और सर्विस के टाइम पर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ ना हो। नहीं तो उस केस में अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो आपको वो जो टेप मेल्ट हो गई है उसको साफ़ करने के लिए सॉल्वेंट भी आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें येलो टेप और नो शाइन टेप की, तो इन दोनों की पकड़ जो है दोनों की सेम है, दोनों आपका हफ्ता 10 दिन आराम से आपको होल्ड दे देती हैं, किसी किसी क्लाइंट के तो 15 दिन भी चल जाती है। तो ये स्किन पे डिपेंड करता है और किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी हफ्ता 10 दिन आपको ये होल्ड दे देती हैं। फर्क इन दोनों टेपों में क्या है कि जो आपकी नो शाइन टेप है ये है ट्रांसपेरेंट, तो जितने भी हमारे पतले बॉर्डर वाले पैच होते हैं या फ्रंट लेस, फुल लेस, ऑस्ट्रेलिया, मिराज, जितने भी इस तरह के पतले बॉर्डर वाले पैच होते हैं उनमें यही टेप यूज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें येलो वाली टेप यूज करेंगे तो ये होती है अंदर से व्हाइट कलर की, इसका येलो रैपर हटके अंदर से व्हाइट होती है तो वो आपकी पैच में विजिबल रहती है। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसका रैपर हटने के बाद ये अंदर से ट्रांसपेरेंट होती है तो वो उसमें दिखती नहीं है। तो जिनके भी पैचेस पतले बॉर्डर वाले या फ्रंटलेस फुललेस पैच होता है उसमें आप ज्यादातर नो शाइन टेप ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी ये जो आपका येलो वाला टेप है ये होता है क्लॉथ मटेरियल का, तो ये बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं होता। अगर आप इसको ज्यादा दिन तक चलाते हैं 10 दिन 15 दिन तो जाके कहीं ये मेल्ट होती है। अगर आप हफ्ते में इसकी सर्विस कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं होती, आपकी मेहनत भी बच जाती है, टाइम भी बच जाता है। और वहीं मैं बात करूं नो शाइन वाली की, तो ये कभी कभार जल्दी भी मेल्ट हो जाती है। बहुत बार होता है कि ये बॉर्डर में से मेल्ट होके माथे पे आने लगती है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि किसी किसी केस में ये टेप ज्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो इसमें आपको कभी कभार सर्विस जल्दी भी करनी पड़ सकती है। ये टेप जनरली लोग अपने पास इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जैसे आपने सर्विस कराई है और बाय चांस आपका हफ्ता 10 दिन में पैच आगे से लूज हो जाता है, तो उस केस में आप इसको लगा के अपना जो सर्विस है वो हफ्ता 10 दिन और चला सकते हैं। जो येलो वाली टेप है इसको लोग ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेम प्राइस में, दोनों के प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम प्राइस में आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। ये आपका 20 मीटर का रोल आ जाता है और वहीं इसमें 36 स्ट्रिप्स रहती है, तो ये आपकी ज़्यादा टाइम चल जाती है। जो आपकी नो शाइन टेप है ये क्या होती है, पतली होती है, और जो है आपकी क्लॉथ वाली टेप है इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है,
तो जब आप नो शाइन टेप यूज करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने सर पे पैच लगा रखा है, और वहीं अगर आप येलो वाली करते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको दोनों में फ़र्क लगेगा। बाकी ये जो नो शाइन टेप है, इसी के ही बड़े 36 यार्ड के रोल आते हैं। ये एक ब्लू कलर का लेस फ्रंट भी आता है और ये नो शाइन का रोल आता है, तो आपको सर्विस सेंटर में ये बड़े रोल देखने को भी मिल सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी टेप के बड़े रोल हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और आपका इतना यूज़ भी नहीं है। तो क्लाइंट के पर्सनल यूज़ के लिए हम ये 36 पीस वाले स्ट्रिप का पैकेट देते हैं। यही डिफरेंस है इन तीनों टेपों में, किस टेप का क्या काम है और कौन सी टेप किस केस में यूज होगी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब बात करें ग्लू की, तो ग्लू आप लोगों को पता ही है, एक ही पुराना और एस्टैब्लिश ब्रांड है ग्लू में, और वो है वॉल्कर टेप। हम वॉल्कर टेप की अल्ट्रा होल्ड यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, और अगर आप सेल्फ सर्विस के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी छोटी पैकिंग भी आती है 15 ml और 40 ml की, आप वो ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ सर्विस में टेप के साथ ग्लू भी यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैच के सिर्फ फ्रंट में लगाएं, पूरी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से पैच की पकड़ ज्यादातर अच्छी रहती है, आगे से ही दिक्कत आती है। तो आप ग्लू यूज करनी है तो आप सिर्फ फ्रंट पे यूज कर सकते हैं। आपको बड़ी क्वांटिटी में लेना रिकमेंड नहीं करूंगा 100 ml वाली, क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर से अगर बाय चांस अगर आपसे कैप इसका लूज रह जाता है तो ये पड़े पड़े सूख भी जाती है और आपकी बहुत ज्यादा यूज होनी नहीं है, तो आप 40 ml या 15 ml वाली क्वांटिटी लें तो ज्यादा बढ़िया है। और अब लास्ट में अगर बात करें सॉल्वेंट की, तो अगेन वॉल्कर का C22 सॉल्वेंट आता है। इसका काम क्या है, जो भी आपकी चिपकन है, आपकी टेप की चिपकन है जो पैच पे रह गई है या जो बालों में लगी रह गई है या जो आपकी चिपकन माथे पे लगी रह गई है, तो उस चिपकन को इसका हटाने का काम है। बाय चांस अगर आपको ये सॉल्वेंट कॉस्टली लगता है और आप किसी भी रीजन से नहीं लेना चाहते, तो आप कॉटन में थोड़ा सा पेट्रोल लेके भी उसको साफ कर सकते हैं। पेट्रोल से बहुत लोग डरते हैं कि हमारी स्किन पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो हमारी टेस्टेड इन्फॉर्मेशन है और सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप सॉल्वेंट परचेज नहीं करना चाहते तो आप कॉटन में पेट्रोल लेके भी उससे भी अपनी चिपकन साफ कर सकते हैं। अगर पेट्रोल भी नहीं यूज़ करना तो आप गोले का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल, लेकिन उसमें यह है कि आपकी मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और वहीं आप सॉल्वेंट और पेट्रोल से करते हैं तो फटाफट हो जाएगा। सो यही है सबसे कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स हेयर पैच इंडस्ट्री में। आप हर महीने जब अपनी सर्विस कराने सर्विस सेंटर जाते हैं या अपनी सेल्फ सर्विस भी करते हैं तो यही प्रोडक्ट्स आपके बार बार यूज़ होने हैं, तो इसलिए मेरा काम ये है कि आपको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि इस प्रोडक्ट का क्या काम है। अगर आप इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या हमें कॉल करके कुरियर पे भी मंगवा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर हफ्ते हम पैच से रिलेटेड आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहते हैं, और अगर आपका कोई माइंड में डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कॉमन क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।